Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning general knowledge by Brain Root series. And this is your book 7. And here is the name of your book. The name of your book is Knowledge Universe. Let's start the first chapter of your book. And this is Kinesthetic Intelligence. The ability to use one's body in highly differentiated and skilled way. So children, हम अपनी body को use करते हैं अलग अलग तरीके से. जो ability है means जो तरीका है अपनी body को अलग तरीके से use करना, अपने skills को use करना, किस चीज के लिए? Both goal orientation के लिए and expressive purposes के लिए. Means किसी goal को पाने के लिए और किसी purpose को पाने के लिए हम अपनी body को use करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग काम करके. The capacity to exercise fine and gross motor control of one's body to maintain a healthy body, we must maintain a balance. तो हम यहाँ पे ये बताया जा रहा हमें कि जो कैपेसिटी है एक्सरसाइज करने की एंड हमारे अंदर जो भी मोटर स्किल्स हैं वो किसी भी तरीके के मोटर स्किल्स हो सकते हैं, तो उन मोटर स्किल्स को कंट्रोल करने के लिए जो कैपेसिटी यूज की जाती है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है. इस कैपेसिटी को पाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें मेंटेन करना होता है अपने हेल्दी बॉडी को. और हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा तभी ये मोटर स्किल्स भी वर्क कर सकते हैं, तभी हम अपनी एबिलिटीज को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं किस काम में, डिफरेंशिएट करने में या फिर किसी भी अलग से स्किल को प्रिपेयर करने में. तो हमें क्या करना है? हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, प्रॉपर हेल्दी वे में हो. अब इसके लिए क्या करना है? वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट. हमें सबसे पहले एक बैलेंस्ड डाइट खाना है. मैनेज द स्ट्रेस इफेक्टिवली. जो भी हमारे ऊपर स्ट्रेस है मीन्स किसी भी चीज की परेशानी है उसे बहुत ही इफेक्टिव वे में हमें मैनेज करना है. बैलेंस वर्क एंड एक्सरसाइज. हमारा जो भी काम है उसे और एक्सरसाइज दोनों को बैलेंस करके काम करना है. मीन्स ऐसा नहीं कि वर्क के चक्कर में हम एक्सरसाइज छोड़ दें या एक्सरसाइज ही करते रहे और वर्क हमने छोड़ दिया. दोनों के बीच में बैलेंस को मेंटेन करना हमारा काम है. नेक्स्ट इज लेट अ डिसिप्लिन लाइफ. हमारी जो लाइफ है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए. ऐसा नहीं, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हमें चुप रहना है. नो, डिसिप्लिन मीन्स कि हर काम को परफेक्टली करना, राइट टाइम पे करना, राइट तरीके से करना, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन. तो हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए. Nowadays, stress is a part of everyone's life. आजकल आपने देखा होगा कि हर पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो चाहे वो कोई बड़ा इंसान हो. तो हर पर्सन स्ट्रेस से जूझ रहा है. मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, बैकएक, डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड स्लीपलेसनेस आर कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रेस. तो अब इस स्ट्रेस से क्या हो रहा है? हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं उससे हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से पहला है हेडेक, हमारे सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, बैकएक हो जाता है, डिप्रेशन तक में हम चले जाते हैं. मीन्स जो है हमारा कहीं भी मन नहीं लगता, हम डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, सब चीज हमें जो है बुरी दिखाई देने लगती है, इंसोम्निया के शिकार भी हो जाते हैं और स्लीपलेसनेस के भी शिकार हो जाते हैं. किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से. तो हमें क्या करना है? स्ट्रेस को दूर भगाना है. और उसका जो तरीका है वो क्या दिया है? इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करके हम स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं, उसे दूर भगा सकते हैं. कैसे? बैलेंस डाइट अपनाना है, अच्छे से वर्क और एक्सरसाइज में बैलेंस क्रिएट करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है और एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है. तो चिल्ड्रन, वी हैव टू फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स सो दैट वी कैन लीड अ स्ट्रेसफुल लाइफ.
Now, given below are some tips that will help you to deal with the increased stress. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं चिल्ड्रन. अब ये जो पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं कि कैसे हमें इस स्ट्रेस के लेवल से ओवरकम होना है, हमें कैसे स्ट्रेस को जो है हरा देना है. तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ईट वाइजली, बहुत अच्छे से खाएं. अवॉइड ईटिंग जंक एंड फ्राइड फूड, हमें जंक फूड और फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, चीजों को अच्छे से खाना चाहिए, हर एक फूड आइटम को एक बैलेंस्ड अमाउंट में लेना चाहिए. तो आपने पढ़ा है बैलेंस डाइट के बारे में, उस बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए और जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली एक्सरसाइज करें. साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस. तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जैसे कि हम साइकिलिंग कर सकते हैं, हम स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग पे जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, प्ले कर सकते हैं आउटडोर गेम्स, जिससे क्या होता है हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, हमारा स्ट्रेस की तरफ से दिमाग हट जाता है. नेक्स्ट इज टेक इनफ रेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, हमें रेस्ट लेना चाहिए. रेस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट एज वर्क, रेस्ट उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए काम भी जरूरी है. तो ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं तो काम में ही लगे हुए, नो, काम कर रहे हैं बट इक्वली हमें क्या करना है, हमें जो है रेस्ट भी लेना है, एक प्रॉपर नींद जरूर लेनी है. नेक्स्ट पॉइंट इज लीड अ बैलेंस्ड लाइफ, हमें जो हमारी लाइफ है वो बैलेंस्ड लेनी है. एंड डू नॉट गेट स्वेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमें बैलेंस्ड लाइफ जीनी है, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स से दूर रहना है जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करे. मीन्स हो सकता है कोई हमारा नेबर हो, कोई हमारा फ्रेंड हो जो हमारी लाइफ में कुछ ऐसी टेंशन वाली बातें ले आए, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, अपने लाइफ में ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को दूर रखें और एक बैलेंस लाइफ जिए. नेक्स्ट इज फॉलो अ हेल्दी रूटीन, डू नॉट स्टडी टिल लेट आवर्स, हमें क्या करना है, एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है. उसके लिए सबसे पहले है कि हमें देर रात तक नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमने 3 बजे या 4 बजे तक हम लगातार पढ़े जा रहे हैं, नो, हमें क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम पे सो जाना चाहिए. अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, अगर आपको पढ़ना ही है तो आप क्या करें, सुबह सुबह उठे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे एंड देन आप उठ के पढ़ लें. इस मीन्स रात में देर तक ना जगे, सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ाई तब कर लें. तो हमें क्या करना है, ज्यादा देर तक नहीं जगना है, 10-11 बजे तक सो जाना है, जिसके बाद ताकि हम सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के वापस से सब चीजों को अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ पढ़ ले. ऐसा क्यों कहा जा रहा है चिल्ड्रन, अगर हम लगातार बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, हमारा जो माइंड है उसकी भी कैपेसिटी होती है, वो भी थक जाता है. तो माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या जरूरी है, नींद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एक वॉक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, वी विल फील रिलैक्स एंड वी विल नॉट बी स्ट्रेस्ड. नेक्स्ट इज टॉक टू द राइट काइंड ऑफ पीपल, जो सही तरीके के लोग हैं उनको चुने और उनसे ही बात करें. मीन्स किसी ऐसे पर्सन से बात ना करें जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दे या डिस्ट्रैक्ट कर दे. तो हमें क्या करना है, सही लोगों से बात करनी है, अपने दिल की बात उन्हें बतानी है, उनसे अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेना चाहिए. After long hours of study, recreate yourself by playing, listening to music or watching your favorite TV program. तो अब यहाँ पे जो next point है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमने 2-3-4 घंटे तक लगातार पढ़ाई की है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को recreate भी करना चाहिए. Means हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन भी देना चाहिए. कैसे हो सकता है वो, या तो हम खेल सकते हैं कोई भी गेम, इंडोर गेम, आउटडोर गेम अपने फैमिली के साथ, म्यूजिक सुन के भी हम अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं, एंड टीवी में अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख के भी हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, हमारा माइंड थोड़ा सा
फ्रेश हो जाएगा और जो हम पढ़ना चाहते हैं वो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट इज सेट रीजनेबल गोल्स फॉर योरसेल्फ। आप ये डिसाइड कर लें कि आपके क्या गोल्स हैं, आपको क्या चीज अचीव करनी है लाइफ में, एंड तब आप उसके अकॉर्डिंग अपने गोल को सेट करें और उसके लिए वर्क करें। ऐसा नहीं कि गोल तो सेट कर लिया पर उसके लिए वर्क नहीं करें, नहीं, आपको गोल को सेट करना है कि मुझे ये अचीव करना है या मुझे बड़ा होकर ये बनना है या ऐसे चीजों को करना है, तो उन चीजों को आप जो है सेट करें गोल को पहले, एंड देन वर्क फॉर इट। बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से दूर रहें या ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको परेशान कर रहे हो, मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके की परेशानी दे रहे हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ बैठने की कोशिश करें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो अच्छी बातें करते हो, जो पॉजिटिव बातें करते हैं। क्यों, क्या होता है जब हम पॉजिटिव बातें सुनते हैं तो हमारा माइंड भी पॉजिटिव हो जाता है, हम अच्छा सोचने लगते हैं, हमारे माइंड में गुड थॉट्स आते हैं जिसके बाद हम किसी भी काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना है। शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अच्छा चिल्ड्रन, हो सकता है आपके साथ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप शेयर नहीं कर पा रहे, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में, वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसे क्या करना है, हमें अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करना है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हमें छुपानी नहीं है, डरना नहीं है किसी भी प्रॉब्लम से, क्या करना है उसे अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट है मेडिटेट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल्स। हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। आपको पता है ना कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, आईज क्लोज करके और कॉन्सेंट्रेट करना है किसी एक चीज पे, मेडिटेट करना है, भगवान के बारे में सोचना है, दैट इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है, डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट इज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। रिमेंबर यू आर यूनिक, सो रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड एज यू रिस्पेक्ट अदर्स। तो हमें क्या करना है, खुद को खुद से ही कंपेयर करना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप यूनिक हो, आप जैसा कोई भी नहीं है, एंड आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, तो खुद की रिस्पेक्ट अगर आप नहीं करोगे तो यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। सो ये जो पॉइंट्स है चिल्ड्रन, इनका हमें ध्यान रखना है। क्यों, ताकि हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। सो दिस वॉज योर फर्स्ट चैप्टर चिल्ड्रन।